8 जून 2020 सोमवार। हरियाणा में 4000 पार पहुंचे कोरोना संक्रमित। 21 जिलों में 496 नए मामले मिले। पॉजिटिव रेट में 1.24% बढ़ी। एक सप्ताह में 14% का रिकवरी रेट। 2246 आए नए मामले। अब हरियाणा में 4498 हुए कुल कोरोना संक्रमित। भिवानी, कुछ घंटों बाद ही बोर्ड ने बदला फैसला। अब 8 जून को नहीं विज्ञान की परीक्षा के बाद घोषित होगा 10वीं कक्षा का रिजल्ट। सीएम ने किया समीक्षा बैठक को संबोधित। कहा, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हुई 1087 ग्राम। पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर प्रदेश। उद्यमियों ने दिलाया ध्यान। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्यमियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्मृति ईरानी ने दिया मदद करने का भरोसा। कैबिनेट का फैसला था MSME में नहीं जुड़ेगा एक्सपोर्ट। अधिसूचना में लिखा नहीं। अच्छी खबर, 81 दिन बाद आज से खुलेंगे सभी मॉल। सुबह 10 से रात 8 बजे तक करें खरीदारी। मास्क जरूरी। बच्चों बुजुर्गों की नो एंट्री। प्रवेश का नियम, 4 लोगों को एक बार में मिलेगी एंट्री। स्टाफ से लेकर ग्राहकों तक का तापमान जांचा जाएगा। हिसार, मार्केट वीडियो वायरल प्रकरण पर सोनाली बोली, भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया के सामने मैंने अपना पक्ष रख दिया, सबूत के तौर पर ऑडियो भी सौंपी। पानीपत, बिना मास्क वालों के खिलाफ 22 तक चलेगा अभियान। पहले दिन 31 लोगों के काटे चलान। गुरुग्राम, अनलॉक 1 का 7वां दिन। दिल्ली की तरह अब गुड़गांव में भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से जान सकेंगे कौन से अस्पताल में बेड अवेलेबल है। गुड़गांव जिला प्रशासन ने तैयारी की पूरी। जल्द मिलने लगेगी सुविधा। गुड़गांव में बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते लिया गया ये फैसला। आज से खुल जाएंगे दिल्ली से लगते बॉर्डर। दिल्ली सरकार का फैसला, दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली के अस्पतालों में 10,000 बेड हैं, इनमें से 9,000 बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व। निजी अस्पतालों में भी बाहरी लोग इलाज नहीं करा सकेंगे। स्पेशल सर्जरी करने वाले कुछ अस्पतालों को छूट। दिल्ली में केजरीवाल ने अन्य राज्यों के मरीजों का इलाज से रोका तो हरियाणा आ रहे मरीज। विज ने कहा, सबका करेंगे इलाज। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, इलाज के मामले में हम कठोर नहीं हो सकते। पंचकूला, लॉकडाउन 5.0। माता मनसा देवी के द्वार 9 जून से खुलेंगे। बुजुर्गों व बच्चों को नहीं मिलेगा मंदिर में प्रवेश। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फसलों की खरीद प्रक्रिया रोकने के सरकार के फैसले का विरोध किया। कहा, 30 जून तक फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी रखे सरकार। रणदीप हुड्डा के साथ इंटरव्यू में सीएम मनोहर लाल बोले, हरियाणा में खुलेंगे 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल। जींद, सीएम की नजदीकी होने के कारण फोगाट पर नहीं हो रही कार्रवाई। सुरजेवाला, रोहतक 7 दिन में 11 बार हिली हरियाणा की धरती। 5 बार रोहतक रहा केंद्र। हालांकि इनमें किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। रविवार सुबह 11:55:31 पर रोहतक में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 1.8 मापी गई। भिवानी लोहारू, 2 माह में शुरू हो जाएगा इंडो इसराइल इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर का निर्माण। रोहतक, धान की बजाय अब फल सब्जियां उगाएंगे जिला के 226 किसान। मेरा पानी मेरे विरासत योजना के तहत जिले के 226 किसानों ने कराया पंजीकरण।